स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पब्लिक फाइनेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपकी यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप जरूर देखें। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स वाइज एमसीक्यू अपलोड किए हैं हमारे चैनल पर, जो कि आपकी यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल और यूजफुल है, तो उसे आप जाकर देख लीजिए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर पब्लिक फाइनेंस का आपने थ्योरी भी नहीं पढ़ा है तो आपके उस एमसीक्यू से आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, हु कंसंट्रेटेड ओनली ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर, एडम स्मिथ, रिकॉर्डो की, मार्क्स की, मार्शल। किसने जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर से कंसंट्रेटेड किया है? एडम स्मिथ ने किया कि रिकॉर्ड ने किया कि मार्श ने कि मार्शल ने? तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो कंसंट्रेशन किया है वो कौन है। पहले का हो जाएगा ए, एडम स्मिथ द्वारा किया गया, तो इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। दूसरा क्वेश्चन है, पब्लिक फाइनेंस इज कंसर्न्ड विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज विद द एडजस्टमेंट ऑफ वन टू द अनदर, हु गेव दिस डेफिनेशन? नीस ने, डाल्टन ने, एलन के की, श्रीनिवास ने? कहा कि पब्लिक फाइनेंस जो होता है हमारी इनकम, हमारी आय और खर्चों से रिलेटेड होता है ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज और उसके एडजस्टमेंट से। तो ये जो डिफिनेशन बेसिकली किसने दी है? क्नीस ने दी है, डाल्टन ने, एलन की, स्नेस ने? तो ये डिफिनेशन दी है किसने? डाल्टन ने दी है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक फाइनेंस डील्स विद ओनली रेवेन्यू ऑफ द स्टेट, एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट की, डी पब्लिक डेट। अभी जस्ट मैंने पढ़ा है कि पब्लिक फाइनेंस किससे डील करता है, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों से, ठीक है, मींस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों से। तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा कि पब्लिक फाइनेंस जो है डील्स होता है विद द ओनली रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक फाइनेंस क्या है? साइंस है, एक कला है, विज्ञान है कि नाइदर साइंस नॉर आर्ट, की साइंस एज वेल एज आर्ट दोनों है? तो देखिए, पब्लिक फाइनेंस क्या है? पब्लिक फाइनेंस साइंस एज वेल आर आर्ट दोनों है, कला और विज्ञान क्या है? दोनों है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी हेड्स, जो पब्लिक फाइनेंस के हेड्स हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3, 4, 5 के 6? तो उसको जो बांटा गया है ऑप्शन सी हो जाएगा, पब्लिक फाइनेंस को 5 हेड्स में बांटा गया है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक फाइनेंस इज नॉट मैरली अर्थमैटिक, आई इज सेड बाई। अब कहा गया कि पब्लिक फाइनेंस जो है मैरली एक अर्थमैटिक नहीं है, ये स्टेटमेंट किसने दी है? डॉक्टर डाल्टन ने, जेम्स विल्सन ने, मुसग्रेव की, एडम स्मिथ ने? बेसिकली ये जो डिफिनेशन दी गई है, दिस डिफिनेशन इज गिवन बाई द जेम्स विल्सन के द्वारा दी गई है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक फाइनेंस इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स विच लाई ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, हु सेड दिस? देखिए, डिफिनेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि स्टेटमेंट किसने दिया है, ठीक है। तो पब्लिक फाइनेंस का है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें विच लाई ऑन द बॉर्डर बिटवीन पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के बीच में लाई करता है, तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? हिक्स ने, जेके मेहता ने, कि डाल्टन ने, कि मुसग्रेव ने? तो बेसिकली ये डिफिनेशन जो दी गई है वो किसने दी है? ऑप्शन सी हो जाएगा, डाल्टन जी ने दी है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट है, ह्यूमन वॉन्ट्स आर लिमिटेड, अनलिमिटेड, ए फ्यू इन नंबर, की ऑल ऑफ दीज आर फॉल्स? ह्यूमन की वॉन्ट्स क्या होती हैं? ह्यूमन की वॉन्ट्स क्या होती हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा सही कि ह्यूमन की वॉन्ट्स क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक गुड्स आर प्रोवाइडेड बाई इंडिविजुअल, गवर्नमेंट, ग्रुप्स, की ऑल ऑफ दिस? पब्लिक गुड्स किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं? इंडिविजुअल के द्वारा, सरकार के द्वारा, ग्रुप्स के द्वारा, की ऑल ऑफ दिस? तो जो पब्लिक गुड्स होती हैं बेसिकली दीज आर प्रोवाइडेड बाई किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा होती है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट गुड्स आर प्रोवाइडेड थ्रू गवर्नमेंट, फॉरेनर, मार्केट इकोनॉमी, की कंट्रोल इकोनॉमी? अब जो प्राइवेट जो वस्तुएं होती हैं, जो प्राइवेट गुड्स होती हैं, वो किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं? तो दे आर प्रोवाइडेड बाई द मार्केट इकोनॉमी, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट है, जे एस मिल बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस, नॉन इंटरफेरेंस, कंट्रोल की, रेगुलेशन? अब जे एस मिल जी जो हैं वो किस प्रिंसिपल पर बिलीव करते हैं? इंटरफेरेंस पे, कि नॉन इंटरफेरेंस पे, कि कंट्रोल पे, कि रेगुलेशन पे? तो जे एस मिल जो बिलीव करते हैं वो कौन सा प्रिंसिपल है? आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉन इंटरफेरेंस प्रिंसिपल पर बिलीव करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट है, फ्री राइडर्स आर दोज हु कैन पे फॉर द गुड्स, पार्शली पे फॉर द गुड्स, सी है डू नॉट पे फॉर द गुड्स, की डी ऑल आर ट्रू? फ्री राइडर्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, जो डू नॉट पे फॉर द गुड्स, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स बाय द गवर्नमेंट इज एडवांटेजनेस हार्मफुल नाइदर एडवांटेज नॉर हार्मफुल की ऑल आर फॉल्स। जो प्रोडक्शन होता है पब्लिक गुड्स के द्वारा जो सरकार के लिए वो क्या होता है, तो वो क्या होता है, फायदेमंद होता है, एडवांटेजेस होता है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू वांट अ पीसफुल गवर्नमेंट यू मस्ट क्या करना चाहिए, रिड्यूस द बजट, इंक्रीज द बजट, बैलेंस द बजट की इंक्रीज और डिक्रीज। अगर हमें पीसफुल सरकार चाहिए, अगर पीसफुल गवर्नमेंट चाहिए, तो ऐसे केस में क्या कहना चाहिए कि बजट को क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वॉज प्रोवाइडेड बाई, जो प्रिंसिपल मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का था वो किसने दिया था, किनीस ने, डाल्टन ने, श्रीकिस ने कि हिक्स ने। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज ये जो प्रिंसिपल दिया गया वो किसने दिया, डाल्टन ने जी दिया, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, वहां था हमारा मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस, यहाँ कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है सोशल एडवांटेज वो किस पे बेस्ड है, कंज्यूमर के सरप्लस पे, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल पर, की लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न की रिटर्न टू स्केल। तो ये जो बेस्ड है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमारा बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एडवांटेज पे, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेस्ट ऑफ सोशल एडवांटेज, इसमें से कौन सा टेस्ट नहीं है हमारा सोशल एडवांटेज का, प्रिजर्वेशन ऑफ द कम्युनिटी, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इम्प्रूवमेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्रीज इन टैक्सेशन। तो इसमें से कौन सा टेस्ट नहीं है सोशल एडवांटेज का, तो वो नहीं है कि अगर हमारे टैक्सेशन में इंक्रीज होता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजरमेंट ऑफ सोशल बेनिफिट्स, जो ईजी है, पॉसिबल है, डिफिकल्ट है कि अनसर्टन है, जो हम सोशल बेनिफिट्स को मेजर करते हैं वो क्या हमारे लिए सरल है कि बहुत डिफिकल्ट है कि पॉसिबल है कि कोई अनसर्टन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ सोशल बेनिफिट क्या है, दैट इज अ टफ, दैट इज अ डिफिकल्ट, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर, इस क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या प्रोडक्टिव है, अनप्रोडक्टिव है, कि ग्रोथ ओरिएंटेड है, कि एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो बिलीव किया कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है वो हमारा अनप्रोडक्टिव है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही। एग्जाम से इन सारे क्वेश्चन को आप पहले जरूर रट लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टेस्ट ऑफ सोशल एडवांटेजेस, प्रिजर्वेशन ऑफ द कम्युनिटी, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबिलिटी एंड द फुल एम्प्लॉयमेंट, की ऑल ऑफ द अबव। अब कौन कौन से टेस्ट होते हैं हमारे सोशल एडवांटेजेस के, तो सोशल एडवांटेजेस के टेस्ट तीनों होते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ द कम्युनिटी, स्टेबिलिटी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट भी होना चाहिए, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी इंक्लूड्स टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट की ऑल ऑफ दी। पब्लिक फाइनेंस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं, तो पब्लिक फाइनेंस में हमारी सारी चीज़ें हैं, टैक्सेशन से भी, पब्लिक एक्सपेंडिचर से, पब्लिक डेब्ट से, सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, रिलेटेड होती हैं, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका सही, ऑल ऑफ दी अबव। व्हाट शुड नॉट बी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, जब महंगाई बढ़ती है तो उस समय क्या नहीं होना चाहिए, रिड्यूस अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर की, इंक्रीज परचेसिंग पावर, सी है रिजॉर्ट टू सरप्लस प्रोजेक्ट की, डी है बोरो फ्रॉम द पब्लिक। जब इन्फ्लेशन क्या होता है कि इन्फ्लेशन के समय हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ठीक है, इंक्रीज परचेसिंग पावर, उस समय हम क्या करते हैं, खरीदने की शक्ति जो क्या करते हैं वो नहीं करनी चाहिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस शुड इंक्रीज इनइक्वालिटीज, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, इंक्रीज प्राइजेस की, रिड्यूस प्रोडक्शन। तो ऑपरेशंस जो पब्लिक फाइनेंस का था वो क्या होने चाहिए, तो ऑप्शन उसमें इनइक्वालिटीज को क्या करना चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिसोर्सेज शुड बी रेस्ड, सेविंग शुड बी प्रमोटेड, इन्वेस्टमेंट शुड बी इनकरेज की ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे केस में क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सारे ऑप्शन हमारे सही हैं, कि इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज करना चाहिए, सेविंग्स को भी, और रिसोर्सेज जो संसाधन है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। द गवर्नमेंट शुड टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, गवर्नमेंट को अपनी इकोनॉमिक इक्वालिटीज रिड्यूस करना चाहिए, क्यों, क्योंकि अपने एक्सपेंडिचर और बेसिक नीड्स को बढ़ा देनी चाहिए। बी कहता है टू कंस्ट्रक्ट पब्लिक वर्क है प्रोग्राम्स
टू डेवलप विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इकोनॉमिक इनक्वालिटीज को बढ़ाने के लिए अपने एक्सपेंडिचर, अपने खर्चों, अपने नीड्स को बढ़ा देनी चाहिए। पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम को भी डेवलप विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इसलिए सारे ऑप्शन हमारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है एनुअल बजट इज पुट इन द पार्लियामेंट बाई। अब जो एनुअल बजट हम प्रेजेंट करते हैं संसद में वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, चेयरमैन ऑफ पीसी की, नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो प्रेजेंट किया जाता है बजट बेसिकली फाइनेंशियल वित्तीय मंत्री के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है और ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें सही आपका। एनुअल बजट इज पुट इन द पार्लियामेंट यूजली ऑन डैश ऑफ द ईयर। अब एनुअल बजट हम पार्लियामेंट में कब प्रेजेंट करते हैं, 28 फरवरी को, 1 मार्च को, कि 21 फरवरी को, कि ऑन एनी डेट। तो देखिए जो हम प्रेजेंट करते हैं वो कब करते हैं, 28 फरवरी को, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही। द फाइनेंस मिनिस्टर इन हिज बजट ट्राइज टू एडजस्ट एक्सपेंडिचर्स टू इनकम, करेक्ट फॉल्स, पार्शली ट्रू की पार्शली फॉल्स। तो बेसिकली इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि ये बिल्कुल क्या है, फॉल्स है, तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट है जीरो बेस बजटिंग, जेट बीबी टेक्स एज अ बेस ईयर 1971-2004 की 0 to 2012। तो जीरो बेस बजटिंग को हम क्या मान के, बेस ईयर क्या मान के चलते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एज अ जीरो, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही। द अमाउंट एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स इन द बजट 2012-13 कितना अमाउंट हम एक्सेम करते हैं इनकम टैक्स में, बजट 2012-13 का पूछा है, 150,000, 2,00,000, 2,50,000 की, 3,00,000, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2,00,000, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। डिफिसिट फाइनेंस इज अ डैश कॉन्सेप्ट देन अ बजटरी डिफिसिट, नैरोअर वाइडर बोथ आर ट्रू कि बोथ आर फॉल्स। तो डिफिसिट फाइनेंसिंग जो होता है इसका ऑप्शन हो जाएगा, इट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट होता है बजटरी डिफिसिट के कंपैरिजन में, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही। डिफिसिट फाइनेंस हैज डैश अफेक्ट, इन्फ्लेशनरी, डिफ्लेशनरी, नेचुरलाइजिंग की, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा कि डिफिसिट फाइनेंसिंग के क्या इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही। Which is not the technique of deficit financing? इसमें से कौन सा deficit financing का technique नहीं है, तो ये currency of new money, issue of new currency, increasing supply of money की डी है, higher sales। तो इसका option हो जाएगा higher sales जो हो जाएगा इसका सही option, कि इसमें से technique नहीं है किसका, deficit financing का, इसलिए option डी हो जाएगा सही। Next question है deficit financing should be resorted to curb inflation, लिफ्ट द इकॉनमी आउट ऑफ डिप्रेशन, की कर्टेल पब्लिक एक्सपेंडिचर की, ऑल ऑफ अबव आर फॉल्स। तो डिफिसिट फाइनेंस शुड बी रिसॉर्टेड टू, इसलिए हम करते हैं ताकि क्या हो सके कि हम इकॉनमी को डिप्रेशन से निकाल सकें, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग द स्टेट एक्टिविटीज वॉज प्रोपोनेटेड बाई, जो लॉ ऑफ ये दिया गया इंक्रीजिंग द स्टेट एक्टिविटीज, ये किसके द्वारा दिया गया, डाल्टन के द्वारा, वैगनर के द्वारा, स्टेनस के द्वारा, कि प्लान के द्वारा। तो ये जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग द स्टेट एक्टिविटीज दिया गया वैगनर के लिए, के द्वारा दिया गया, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है द कैनॉन ऑफ बेनिफिट वॉज एडवोकेटेड बाई एडम स्मिथ, डाल्टन, श्रीयास की, फैलिन। तो कैनन ऑफ बेनिफिट जो इंट्रोड्यूस किया गया या स्टार्ट किया गया ये किसने दिया, स्टेनस ने दिया, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर इज डैश डे बाई डे, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या डे बाई डे क्या इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कि इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो रहे हैं, कि इनमें से कोई नहीं हो रहा है। तो देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर हर डे बाई डे वो क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है द कैनॉन ऑफ बेनिफिट रिलेट्स टू, अब जो दो कैनॉन ऑफ बेनिफिट किससे रिलेट्स है, मैक्सिमम सोशल सेक्रीफाइस, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की, मैक्सिमम कॉस्ट की, ऑल ऑर ट्रू। तो दो कैनॉन ऑफ बेनिफिट जो करता है वो रिलेट्स किससे करता है, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज से, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ए गुड्स क्लासिफिकेशन शुड बी एक्सैक्ट, क्लियर कट, साइंटिफिक की, ऑल ऑफ दीज आर ट्रू। तो बेसिकली एक गुड जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो क्या होना चाहिए, सारे हैं कि एग्जैक्ट भी होने चाहिए, क्लियर कट भी होने चाहिए, साइंटिफिक होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज आर क्या है, सही है। नेक्स्ट है फ्लैंस क्लासिफिकेशन इनकंसिस्टेंट, साइंटिफिक, क्लियर कट की, डी, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए फ्लैन का जो क्लासिफिकेशन दिया गया था ये क्या था, ऑप्शन ए हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट है डैश आर क्लासिफाइड पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, ठीक है।
तो किसको क्लासिफाई किया जा सकता है पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस के हिसाब से, किसने दिया है? कैनॉन ने, रॉकर ने, कि एडम्स ने, कि मेहता जी ने? तो ये दिया किसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट है, डेल्टन हैज क्लासिफाइड पब्लिक एक्सपेंडिचर इनटू हाउ मेनी क्लासेस। अब देखिए, डेल्टन ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया है पब्लिक एक्सपेंडिचर को, वो कितने बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं? 2, 3, 4 की 5। तो उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं कितने बेसिस पे? 2 बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द मेहता एक्सपेंडिचर ऑन पोस्टल सर्विसेज इज कंसिस्टेंट वेरिएबल, सॉरी कॉन्स्टेंट वेरिएबल, ए एंड बी आर ट्रू, ऑल आर रॉन्ग। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू मेहता एक्सपेंडिचर ऑन पोस्टल सर्विसेज वो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी वेरिएबल्स हो जाएंगे, इसलिए सही। नेक्स्ट है, डेल्टन एनालिसिस द इफेक्ट ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऑल ऑफ दिस। तो डेल्टन ने एनालाइज किया इफेक्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर का किस पे, तो वो एनालाइज किया ऑप्शन नंबर डी, प्रोडक्शन पे भी, डिस्ट्रीब्यूशन पे भी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। टूडे पब्लिक एक्सपेंडिचर हैज बिकम अ मीन्स ऑफ अचीविंग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, बोथ की नन। टूडे क्या हो रहा है आजकल, पब्लिक एक्सपेंडिचर एक मीन्स ऑफ अचीविंग, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि बोथ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिविटी और सोशल ऑब्जेक्टिव दोनों से तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ प्रोमोट्स, डिस्करेज, डज नॉट अफेक्ट, ऑल ऑफ। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या ला रहा है, तो वो ला रहा है क्या, हमारा प्रमोट कर रहा है हमारे किसके ग्रोथ को, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही। हैवी एक्सपेंडिचर डिस्करेजेस स्टेबिलिटी टू वर्क सेफ एंड इन्वेस्ट। तो हैवी क्या करता है, प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, एक्स्ट्रा वैगेंट, की ऑल और ट्रू, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अनप्रोडक्टिव, मीन्स हैवी अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो हमारी एबिलिटी डिस्करेज करते हैं, एबिलिटी टू वर्क सेव एंड इन्वेस्ट, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, हु सेज दैट सिस्टम ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज बेस्ट, विच हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। किसने ये स्टेटमेंट कहा है, एडम स्मिथ ने, डेल्टन ने, फिनली सिनाल्स ने, कि मिस्टर मिसेस हिक्स ने? तो ये स्टेटमेंट किसने किया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि ये डेल्टन ने कहा कि जो सिस्टम होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर का वो बेस्ट होता है, जिसके द्वारा हम स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी क्या कर सकते हैं, इनकम इक्वालिटीज की कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, द एक्टिविटीज ऑफ द मॉडर्न गवर्नमेंट्स आर डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, कॉन्स्टेंट, की नॉट नो। तो जो एक्टिविटीज एक मॉडर्न गवर्नमेंट की होती है वो क्या होती है, ऑप्शन वो बढ़ती जाती हैं, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इंक्रीजिंग। 50 क्वेश्चन है लास्ट का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, टैक्स, फीस, प्राइस की, लाइसेंस फीस, इसमें से कौन सा एक वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है? तो लाइसेंस फी है, कोई हमारा वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, इसमें से कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू के अंदर नहीं आता है, फीस, लाइसेंस फीस, स्पेशल असेसमेंट की, टैक्स? तो टैक्स जो होता है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू के अंदर नहीं आता है, इसके ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, टैक्स इज पेड ऑन इंडिविजुअल, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट। तो टैक्स हम किस पे देते हैं, तो वो हम किस पे देते हैं, किसको देते हैं, सरकार पे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू एक कैसा सोर्स है, टैक्स रेवेन्यू का, नॉन टैक्स रेवेन्यू का, कि प्राइवेट रेवेन्यू का, कि कॉर्पोरेट रेवेन्यू का? तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रेवेन्यू होता है एक स्रोत होता है हमारे, एक सोर्स होता है किसका, नॉन टैक्स रेवेन्यू का, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही। एडम स्मिथ क्लासिफाइड पब्लिक रेवेन्यू इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। अब एडम स्मिथ ने जो पब्लिक रेवेन्यू का क्लासिफिकेशन किया है वो कितनी कैटेगरीज में किया है, 2, 3, 4 की 5, तो वो किया है आपका 2 कैटेगरीज में उसको क्लासिफाई किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट द शॉर्ट कमिंग ऑफ बास्टर्स क्लासिफिकेशंस, इट इज़ अ नैरो, इट इज़ अ लिमिटेड, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इट इज़ नॉट क्लियर। तो इसमें से कौन सा नहीं है शॉर्ट कमिंग ऑफ द बास्टर्स क्लासिफिकेशन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये क्या है, इट इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही।
which is not included in derivative revenue, taxes, fees, fine, profit from public enterprises. इसमें से कौन सा included नहीं है derivative revenue में, तो वो included नहीं है profit from public enterprises, इसलिए option D हो जाएगा आपका सही. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन टू सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू डॉल्टन. इसमें से कौन से दो सोर्सेज हैं पब्लिक रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू डॉल्टन, टैक्स और फीस, टैक्स और प्रॉफिट्स, फीस एंड ग्रांट्स की एक्सीड्स एंड पेनल्टीज. तो इसमें से कौन से नहीं है, तो टैक्स और फीस जो है एक मेन सोर्स नहीं है हमारी पब्लिक रेवेन्यू को अकॉर्डिंग टू डॉल्टन, इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा टैक्स और फीस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज कैपिटल अकाउंट नॉट इंक्लूड. कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीजें नहीं इंक्लूड होती हैं, मार्केट बोरिंग, एक्सटर्नल एक्जिस्टेंस, प्रोविडेंट फंड की गवर्नमेंट प्रॉफिट. तो इसमें से कौन सी चीजें इंक्लूडेबल नहीं होती हैं, तो ये इंक्लूड नहीं होती हैं गवर्नमेंट की प्रॉफिट, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा सही. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं कि What of the following is not a characteristics of tax? इसमें से कौन सा कर का टैक्स का फीचर्स नहीं है, कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, मेड आउट ऑफ इनकम, क्यूड प्रो क्यूड रिलेशन, नॉट द कॉस्ट ऑफ रेशियो. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही, कि इट इज ए नॉट अ क्विड प्रो क्वाटा रिलेशन, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही. विच वन इज नॉट गिवन बाई एडम स्मिथ. इसमें से कौन सा एडम स्मिथ में नहीं दिया है, कैनन ऑफ फ्लेक्सीबिलिटी, कैनन ऑफ इक्विटी, कैनन ऑफ कॉन्वीनियंस, कैनन ऑफ इकोनॉमी. तो एडम स्मिथ के द्वारा जो नहीं दिया गया है वो कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी जो है नहीं दिया गया, इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही. व्हाट डज द कैनन ऑफ इक्विटी रिफर टू. कैनन ऑफ इक्विटी किसने दिया है, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन की डिग्रेसिव टैक्सेशन. तो कैनन ऑफ इक्विटी किससे रेफर करता है, इट इज रिफर टू द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही. What is not the characteristics of good tax system? कौन सा इसमें से good tax system का फीचर नहीं है, equity, productivity, tax evasion की convenience. तो इसमें से नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, tax evasion जो है एक फीचर नहीं है good tax system का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही. नेक्स्ट है, What is not the drawback of Indian tax system? इसमें से कौन सा drawback नहीं है हमारी किसका, Indian tax system का, uncertainty, predominance of indirect taxes, faulty administration की equity. तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो option number D हो जाएगा, equity जो है एक drawback नहीं है हमारे Indian system का. Which of the following is not a direct tax, income tax, corporation tax? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कैपिटल गेन्स टैक्स की कस्टम्स ड्यूटी. तो इसमें से कौन से नहीं है, तो डायरेक्ट टैक्सेस कस्टम ड्यूटी जो होते हैं वो नहीं होते हैं हमारे डायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन डी हो जाएगा सही. इंडियन टैक्सेशन सिस्टम किस नेचर का है, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, रिग्रेसिव की डिग्रेसिव. तो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम है बेसिकली वो किस नेचर का है, तो दैट इज ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही. Which one is not the merit of a direct tax? इसमें से कौन सा एक merit नहीं है direct tax का, तो productive, certainty, economicality, tax evasion. तो इसमें से कौन सा नहीं है, tax evasion जो है एक हमारे merit नहीं है direct tax का, इसलिए option number D हो जाएगा सही. Indirect taxes dash economic inequalities. Indirect बढ़ने increases या decreases, leave constant की all are true. तो इसका option हो जाएगा option number A, कि जो होती हैं हमारी इंक्रीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज होंगी तो इकोनॉमिक इक्वलिटीज आएंगी. तो इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, अंडर द प्रोपोर्शनल टैक्स ऑल द इनकम्स आर टैक्स्ड एट इंक्रीजिंग रेट, यूनिफॉर्म रेट, डिक्रीजिंग रेट, की फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग रेट. तो देखो, कहता है कि प्रोपोर्शनल टैक्स में सारी इनकम को हम कब टैक्स करते हैं, जब एक यूनिफॉर्म रेट पे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही. नेक्स्ट है, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स रिफर्स टू द पॉइंट एट विच चिकन फाइनली कम्स टू अ रोस्ट, हु गेव दिस डिफिनेशन. तो ये डिफिनेशन किसने दिया है, कि वो इंसिडेंस होता है टैक्स का या कर का वो पॉइंट पे जब क्या होता है, फाइनली वो रोस्टेड में आ जाता है. तो ये डिफिनेशन किसने दी है, तो बेसिकली ये डिफिनेशन दी किसने दी है, डाल्टन, प्लैंक, एडम्स की सिनम्स. तो ये डिफिनेशन दी गई है हमारी किसके द्वारा, प्लैंक के द्वारा दी गई है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा सही. नेक्स्ट, इफ द डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक. अगर डिमांड ऑफ कॉमोडिटी परफेक्टली इलास्टिक है, तो इंटायर टैक्स बर्डन जो है किसके पे लगेगा, सेलर पे, बायर पे, सोसाइटी पे, कि गवर्नमेंट को. तो देखिए, डिमांड उस कॉमोडिटी की परफेक्टली इलास्टिक है, तो ऐसे केस में जो उसका टैक्स जो लगेगा वो किस पे आएगा, सेलर पे आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही.
नेक्स्ट है, इफ द सप्लाई ऑफ अ कॉमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक, अगर सप्लाई एक कॉमोडिटी की परफेक्टली इलास्टिक है तो ऐसे केस में द एंटायर बर्डन विल बी बॉर्न बाय, किसके द्वारा होगा, सेलर के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, बायर के द्वारा, की कॉमोडिटी के द्वारा, तो ऐसे केस में किसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सी, बायर के द्वारा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोस्पैरिटी इट इज डैश टू शिफ्ट द टैक्स, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो ऐसी केस में हम टैक्स किसको शिफ्ट कर, इजी, डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल की जस्टिफाइड, तो ऐसी केस में हम क्या कर सकते हैं, डिफिकल्ट टू हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट है, द बर्डन ऑफ इनकम टैक्स फॉल्स अपॉन द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, टैक्स पेयर, प्रोड्यूसर की, सेलर, तो जो बर्डन होता है इनकम टैक्स का फॉल्स, वो किस पे आता है, तो वो आता है आपका ऑप्शन नंबर बी, टैक्स पेयर पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट है, द बेस्ट टैक्सेशन इज दैट विच हैज द बेस्ट और द लीस्ट बैड इकोनॉमिक इफेक्ट्स, हु सेड दिस, कहा है कि किसने कहा है, डेल्टन पिगू बेस्टेबल फ्रेंडली सिराज ने, तो बेस्ट टैक्सेशन वो होता है जिसमें बेस्ट और लीस्ट बैड इकोनॉमिक इफेक्ट्स होते हैं, तो ये डिफिनेशन किसने दी है, दिस डिफिनेशन गिवन बाय डेल्टन ने जो दी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टैक्सेस आर डैश द परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल, टैक्सेस क्या होती हैं, टैक्सेस क्या करती हैं, रिड्यूसेस द परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं, द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इज जनरली किस नेचर का होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, डिग्रेसिव की रिग्रेसिव, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिग्रेसिव होता है, इसलिए सही हो जाएगा। ए हायर प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स है, तो ऐसी केस में क्या होगा, इनकरेजेस, डिस्करेजेस, डज नॉट अफेक्ट ऑल और ट्रू, तो ऐसी केस में क्या हो जाएगा कि हायर प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स होगा, तो ऐसी केस में आपको ऑप्शन नंबर सी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही। द रिच शुड बियर द डैश बर्डन सो टैक्सेशन देन द पुअर, लोअर हायर इक्वल की ऑल और फॉल्स, तो ऐसी केस में क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा कि रिच शुड बी बियर द हायर द बर्डन और टैक्सेशन देन द पुअर, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स होल्ड द व्यू दैट द टैक्सेशन सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन, मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने क्या कहा कि जो टैक्सेशन सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है, इक्विटी पे, एक्सपेंडिचर पे, प्रॉस्पेरिटी पे, कि फैमिली पे, तो ये हमारा बेस्ड है किस पे, तो ये बेस्ड है हमारा किस पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इक्विटी पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रियल बर्डन ऑफ अ टैक्सेशन शुड बी, द रियल बर्डन ऑफ अ टैक्सेशन शुड बी क्या होगा, मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो की कांस्टेंट, तो जो मैक्सिमम रियल बर्डन होता है टैक्सेशन का वो क्या होना चाहिए, हमारा मिनिमम, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर, प्रॉपर्टी, इनकम की ऑल ऑफ दीज, तो जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे इंक्लूड्स, ये क्या इंक्लूड्स करता है, ऑप्शन डी, एक्सपेंडिचर भी, प्रॉपर्टी भी, इनकम भी, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, हु सेड द टैक्स सिस्टम शुड बी सो अरेंज एज टू मेक द टोटल रियल बर्डन एज स्मॉल एज पॉसिबल, ये किसने कहा है, वॉल्कर ने, डेल्टन ने, फ्रेंडली स्टिक्स ने, कि एडम स्मिथ ने, कहा गया कि जो टैक्स सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, अरेंज टू मेक द टोटल जो रियल बर्डन है जैसे वो पॉसिबल हो, तो ये जो किसने कहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रेंडली सिराज ने जी ने कहा है, इसलिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेटर इंडेक्स टू द इंडिविजुअल एबिलिटी टू पे इट्स एक्सपेंडिचर, सेविंग, इनकम के इन्वेस्टमेंट, तो बेटर इंडेक्स एक इंडिविजुअल एबिलिटी का होता है कि अपनी क्या हो सके, अपनी इनकम को पे कर सके, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड अनहैप्पी एंड डाउन ट्रोडन एग्जिस्टेंस हैव बीन यूज्ड बाय डैश व्हाइल डिफाइनिंग टैक्सेबल कैपेसिटी, डेल्टन, श्रीकास, जोसेफ स्टैम की फ्रेसर, तो वर्ड ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, जोसेफ स्टैम के द्वारा दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी इज अ माइथ, हु सेड दिस, कहा कि एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी एक माइथ है, ये किसने कहा, डेल्टन ने, फ्रेजर ने, तो ये किसने कहा है, फ्रेजर जी ने कहा, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकवर्ड कंट्रीज हैव डैश टैक्सेबल कैपेसिटी लो, हाई, मीडियम की कांस्टेंट, तो बैकवर्ड कंट्रीज ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट जो
टैक्सेबल कैपेसिटी एक माइथ है, ये किसने कहा है? ये कहा है आपके डाल्टन जी ने कहा है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, बैकवर्ड कंट्रीज हैव टैक्सेबल कैपेसिटी लो हाई मीडियम की कॉन्स्टेंट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की बैकवर्ड कंट्रीज के पास लो टैक्सेबल कैपेसिटी होती है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टैक्सेबल कैपेसिटी इन अ कंट्री अकॉर्डिंग टू कॉलोनी क्लर्क एज ऑफ नेशनल प्रोडक्ट 20%, 25%, 30% के 32%, तो जो मैक्सिमम टैक्सेबल कैपेसिटी होती है कंट्री में वो अकॉर्डिंग टू कॉलोनी लैंडमार्क में वो कितना परसेंट होती है, तो वो होती है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम इक्वलिटीज हैव डैस इफेक्ट ऑन द टैक्सेबल कैपेसिटी ऑफ द कंट्री, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो की ऑल और फॉल्स, तो इनकम इनइक्वलिटीज जो होती है वो कितना इफेक्ट हमारा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ पब्लिक डेट, फॉर इमरजेंसी, फॉर वॉर, फॉर डेवलपमेंट, फॉर कंजप्शन, इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं होता है पब्लिक डेप्ट का, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंजप्शन कोई नहीं होता है। प्रोडक्टिव डेप्थ्स आर क्या होते हैं, इनकम यील्डिंग, डेवलपमेंटल, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, ऑल ऑफ दीज आर ट्रू, तो ये क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सारे जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे क्या हैं, सही हैं। इफ पब्लिक डेप्ट क्या होते हैं, रिड्यूसेस परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल, बी इंक्रीजेस प्रोडक्शन, एक्सपेंस, एम्प्लॉयमेंट की ऑल ऑफ ट्रू, तो पब्लिक डेप्ट क्या होते हैं सारे स्टेटमेंट की, ये रिड्यूस करते हैं परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल, प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं और एम्प्लॉयमेंट को एक्सपेंड करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्ट में भी इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल की नाइदर ऑफ दी, तो क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी होगा, इंटरनल एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, दोनों चीजें हो जाएंगी। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बोरो टू फाइनेंस वॉर, डेवलपमेंट की, कंजप्शन की, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, बोरो टू फाइनेंस, इसका ऑप्शन हो जाएगा 93 का आपका बी, डेवलपमेंट, विकास। द कॉस्ट ऑफ वॉर हैज नाउ डेज इंक्रीज, डिक्रीज, बोथ आर करेक्ट की बोथ आर इनक्रीज, तो क्या हो रहा है आजकल, तो ये क्या हो रहे हैं, इंक्रीज्ड हो रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, इन्फ्लेशन हैज अ डैश सोशल इफेक्ट्स, तो इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट होता है, इंकरेजिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, कॉन्स्टेंट की, जीरो, तो इन्फ्लेशन जो का प्रभाव जो होता है वो क्या होता है, डिस्टर्बिंग सोशल इफेक्ट्स को डिस्टर्ब करता है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, बोरिंग लीड्स टू डैश डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्वल, कॉन्स्टेंट, अनइक्वल की सिंपल, तो ये क्या लीड्स करता है, बोरिंग लीड्स टू द, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इसमें से कौन सा इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो RBI, IMF, IBRD की IDA, तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो 97 का हो जाएगा ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नहीं है। नेक्स्ट है, टैक्सेशन कर्टेल्स कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, कंस्ट्रक्शन, पीस, तो टैक्सेशन क्या कर्टेल करता है, तो ये हो जाएगा आपका कंजप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। हु नेग्लेक्टेड द रोल ऑफ फिजिकल पॉलिसी, एडम स्मिथ, लर्नर, डाल्टन की, क्नीस, तो किसने किया है, तो ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ ने एलेक्ट किया है, नेग्लेक्टेड द रोल ऑफ फिजिकल पॉलिसीज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन कंपोनेंट होता है फिजिकल पॉलिसी का, टैक्सेशन, प्राइसेस, पब्लिक एक्सपेंडिचर की, पब्लिक डेट, इसमें से कौन सा मेन कंपोनेंट नहीं है फिजिकल पॉलिसी का, तो वो नहीं है हमारा प्राइसेस जो है एक मेन कंपोनेंट नहीं है हमारी फिजिकल पॉलिसी का। Who advocated the role of physical policy most? Knees, Lerner, A or B? Correct, neither of the two. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से कौन से नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Knees ने ज्यादा रोल फिजिकल पॉलिसी का किया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, 102 क्वेश्चन है, फिजिकल पॉलिसी हेल्प्स इन रेजिंग द रेट ऑफ कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, कैपिटल फॉर्मेशन की, नॉन ऑफ दिस, फिजिकल पॉलिसी क्या हेल्प करता है किस चीज़ में, कंजप्शन की रेट को बढ़ाने में, कैपिटल फॉर्मेशन की, एक्सपेंडिचर की, इसमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट शुड बी डैश बाय द पब्लिक आउटलेज, इंक्रीज, कॉम्प्लीमेंटेड, कंटेल की, ऑल ऑफ दीज आर ट्रू, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, शुड बी, ये क्या होने चाहिए हमारे, सप्लीमेंटेड होने चाहिए पब्लिक आउटले, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट फेडरेशन में टेक 1, 2, 3 की 4,
तो ये कितने होने चाहिए हमारे? ऑप्शन बी हो जाएगा आपके क्या, टू फेडरेशंस गवर्नमेंट होने चाहिए, टू फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड दैट आउट ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ इनकम टैक्स द स्टेट शेयर विल बी 80%, 82%, 85% की 88%। तो नाइन्थ फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड दैट कि उसमें कितने होने चाहिए हमारे, 85% होने चाहिए शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ 11th फाइनेंस कमीशन कितना था? तो 11th फाइनेंस कमीशन का जो पीरियड था कितना पूछा है, 2000 से 2005, 2002 से 7, 1 से 6 की 3 से 8। तो ये कितने का था, 2000 से लेकर कितना 2005 तक था 11th फाइनेंस कमीशन। द पीरियड ऑफ 12th फाइनेंस कमीशन कितना था, तो ये था 2005 से लेकर कितना था 2010 तक। चेयरमैन कौन थे फाइनेंस कमीशन के, 12th फाइनेंस कमीशन के, तो ये जो थे हमारे सी रंगराजन जी। नेक्स्ट है, 13 फाइनेंस कमीशन का पीरियड कितना था, 8 से लेके 13, 10 से के 15 की, 9 से 14 की, 11 से 16। तो इनका पीरियड जो था 10 से लेके कितना 15 तक का होता है। द चेयरमैन ऑफ 13 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, सी रंगराजन, ए के चंदा, वाई बी चावन, विजय एल केलकर। तो कितने थे हमारे चेयरमैन कौन थे 13 फाइनेंस कमीशन के, विजय एल केलकर जी थे, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही। Which of the following is not imposed by the central government? Income tax, custom duty, sales tax, capital gain tax. कौन सा central government केंद्र सरकार के द्वारा imposed नहीं होता है, तो वो नहीं होता है sales tax, इसलिए option B हो जाएगा सही। Corporation tax is imposed by center, state, municipal board की जिला परिषद। तो corporation tax किसके द्वारा imposed होता है, तो ये imposed होता है central के द्वारा, इसलिए option A हो जाएगा सही। Expenditure on डिफेंस इज इंकर्ड बाई सेंटर, स्टेट, ग्राम पंचायत के, कॉरपोरेशन। तो जो एक्सपेंडिचर, जो खर्चे होते हैं डिफेंस के, वो इंकर्ड कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। विच इज नॉट अ लोकल बॉडी, इसमें से लोकल बॉडी कौन सी नहीं है, ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपल बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट की जिला परिषद। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारा लोकल बॉडी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही। द सर्विस टैक्स रेट कितना है, 10%, 11%, 12% की 13%। तो कितना है हमारा 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 पे, इन द बजट ऑफ 2012 और 13, द इनकम टैक्स रेट एग्जेप्शन लिमिट हैज बीन प्रपोज्ड टू कितना हो गया, 1,50,000, 2 लाख की, 2,50,000 की, 5 लाख। तो इन द बजट ऑफ 12 और 13 में जो इनकम टैक्स एग्जेप्शन लिमिट हो गया है, वो कितना हो गया है आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 2 लाख। नेक्स्ट है, द पब्लिक आउटले फॉर 11th प्लान वॉज एस्टिमेटेड कितना करोड़। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 36 करोड़। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस का हिस्सा नहीं है, टैक्सेशन, एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस, पब्लिक बोरोइंग, डिफिसिट फंडिंग। सो एक्सटर्नल जो एग्जिस्टेंस है वो एक इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस का पार्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। डिफिसिट फाइनेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज 10% ऑफ द टोटल आउटले, 15, 16, 17 की 18। तो इसमें कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17% ऑफ द टोटल आउटले। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिसिट फाइनेंसिंग ड्यूरिंग द 8th प्लान वॉज कितना था, 1,352 करोड़ की 33,037 करोड़। तो इसके टाइम में कितना था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द 10th प्लान नेट कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम द अब्रॉड इज एक्सपेक्टेड टू बी कितने करोड़। तो कितना था हमारा, ऑप्शन नंबर सी 27,200 करोड़। नेक्स्ट, पब्लिक अकाउंट कमिटी किसने कब क्रिएट किया गया, 1910, 1929, 1949। तो ये कब क्रिएट किया गया, 1990 में। Estimated committees was created in India 1949, 1951, 1950 की 1952। तो estimates committee जो हो गए इंडिया में, जो create की गई वो कब की गई, ऑप्शन नंबर सी 1950 में। नेक्स्ट, द इलेक्शन कमीशन इज टू एग्जामिन द क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी अलाउड प्रोहिबिटेड, आस्क्ड टू रिमेन साइलेंट ऑन द इशू की ऑल आर फॉल्स। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोहिबिटेड सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, द ऑफिसर ऑफ सी ए जी केम इन टू बींग
1932 कॉम्पिटिटर ऑडिटर जनरल जिसे हम बोलते हैं 1909 की 1919, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1999, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। तो ये मैंने पब्लिक फाइनेंस को मैंने 125 क्वेश्चंस उसमें डिस्कस किए और पार्ट्स में लेकर आऊँगी। इसके पहले भी मैंने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो उन सारे आप एमसीक्यूज को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखिए, क्वेश्चंस आपके उसी में से फंसेंगे और जितनी बार भी देखेंगे ऑलरेडी आपको तैयार हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।